वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और आयशा पिक में दो चीजें पिक की हैं आज मैंने, बुक एंड बुक की जो ऑथर हैं वो भी, यानी वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ बैरिस्टर सना पीरजादा से, जिन्होंने अपनी फोर्थ बुक लिखी है जिसका नाम है द रेवन्स कॉल। एंड कुछ सस्पेंस है इसमें, कुछ मर्डर मिस्ट्री टाइप की है, गोथिक रोमांस जो है वो इनका जॉनरा है। मिलवाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स सच अ प्लेजर टू बी। मोस्ट वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपकी ये जो बुक है ये हो चुकी है पब्लिश। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आप सबको रेवन्स कॉल के नाम से। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक बड़ी देसी लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि जब कौवा बोलते हैं हम कहते हैं मेहमान आने वाले हैं, तो ये जो मिस्ट्री है इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। अच्छा, बेसिकली जैसे आपको कवर पेज से भी पता चल रहा होगा, ये बुक जो है ये हम इसको गॉथिक ट्रेडिशन कहते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स थोड़ा सी हॉरर जॉनरा जो है उससे इसका कनेक्शन है। ओके, एंड रेवन जो बर्ड होता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सुपरनैचुरल क्रीचर जो कि इस लाइफ में और जो दूसरी लाइफ है उसका एक कनेक्शन होता है। सही। थोड़ी सी इसकी डिमोनिक रेफरेंसेस भी होती हैं। सो जो प्लॉट है इसका, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इट रिवॉल्व्स अराउंड द रेवन, और बेसिकली एक मिस्ट्री है, लेकिन ये इसकी मेन सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अगर हम आपसे थोड़ा सा स्पॉइलर है लेकिन इतना पूछ सकें कि रेवन जो है उसके थ्रू पता चलता है कि हुआ क्या है या फिर वो इन्वॉल्व है? जो रेवन है वो खुद इन्वॉल्व एक्चुअली है इन द मिस्ट्री, और इसमें ये मल्टी लेयर्ड नैरेटिव है। इसमें हर देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट नैरेटिव्स, और हर नैरेटिव के एंड में एक क्लिफ हैंगर है। हर कैरेक्टर के साथ भी एक मिस्ट्री है, तो इफ़ यू अनरैवल वन मिस्ट्री फिर आपको दूसरी मिस्ट्री अनरैवल करनी पड़ेगी। तो टुवर्ड्स द वेरी एंड जाके फिर एक क्लाइमैक्स आता है। तो ओके, एंड आई थिंक इट स्टार्ट्स विद एनोनिमस, कोई लेटर आता है कि आप इस फैमिली को इन्वेस्टिगेट करें, ऐसा ही कुछ होता है? जी, सो देयर इज एन एनोनिमस नोट जो कि एक डिटेक्टिव के पास आता है टू इन्वेस्टिगेट द डिसअपीयरेंस ऑफ अ मिसिंग पर्सन। तो उसकी तलाश में वो एक कंट्री साइड पर जाते हैं। सो द बुक इज़ सेट इन विक्टोरियन टाइम्स, थोड़ा सा पाकिस्तान के सेंस में पीपल माइट फील यू नो दैट वी आर गोइंग बैक इन टाइम, बट इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो बुक है इट्स सेट इन द 1890s। ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त पीक पे था, तो इसमें काफ़ी रेफरेंसेस ब्रिटिश राज के भी हैं। इसमें एक मेन नरेटर जो है शी इज़ ऑफ एन इंडियन ओरिजिन, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिमिलर भी लगेंगी, कुछ इंडियन जगहों के नाम भी ऐसे हैं इसमें। तो ओके, नाइस। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक होता है, यू नो जो आप कह रही हैं कि थोड़ा सा यू नो एक इट्स सेट सेट बैक उस टाइम का, तो जिन लोगों को शौक होता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे कि आपकी इमेजिनेशन पूरी बदल जाती है इस बुक को पढ़ के, राइट? अब ये वाली आजकल की जो चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं वो तो हम पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं व्हाई गॉथिक रोमांस एंड व्हाई मिस्ट्री एंड व्हाई मर्डर? ओके, सो एक्चुअली मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो इंग्लैंड ही में गुजरी, वहीं पे मैंने पढ़ा लिखा और वहीं पे काफ़ी साल मेरे गुजरे। तो इंग्लैंड में बहुत से ऐसे टाउन्स हैं जो कि बहुत क्वेंट हैं कंट्री साइड के, और वो अभी भी दे आर रेमिनिसेंट ऑफ अ बायगॉन ईरा। वहाँ अभी भी जो है मॉडर्नाइजेशन से वो काफ़ी दूर हैं। तो इस वजह से जो विक्टोरियन ईरा है उससे मुझे फैसिनेशन है। कमिंग टू मर्डर मिस्ट्रीज, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एगाथा क्रिस्टीज़ वर्क्स, जो शेरलॉक होम्स की स्टोरीज थी, तो वो बचपन से ही पढ़ना जो है तो उसी में मुझे था कि चलो मैं क्यों ना अपनी कोई स्टोरी बनाऊँ। और मेरी इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेरी इंट्रोवर्टेड, तो उसका फ़ायदा एक ये है कि आई हैव इमेजिनरी कैरेक्टर्स जिनसे मैं कम्युनिकेट करती हूँ। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा सना, आपने कभी ऐसे सोचा है आपकी बुक्स पे, सिंस इट्स योर फोर्थ बुक, कभी अगर आपको ऐसी ऑफर आए कोई ड्रामा की या कोई यू नो इस पर किसी फिल्म की, सो वुड यू डू इट? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वुड डू इट। एंड एक और भी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने किताबें लिखनी शुरू की थी, मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो बुक्स में नहीं था, इट वॉज एक्चुअली टू मेक अ मूवी। तो मेरी एज पर माई रिसर्च ये था कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ मूवीज़ आर बेस्ड ऑन बुक्स, तो इस वजह से मैंने फिर किताबें लिखी। एंड प्रेजेंटली मैं अभी इसी प्रोसेस में हूँ टू रीच आउट टू प्रोड्यूसर्स इंटरनेशनली एंड लोकली, टू सी कि कोई पॉसिबिलिटी अगर है फॉर सिनेमैटिक अडेप्टेशन। अमेजिंग। बाय द वे सना, अब हमारे यहाँ जितनी चीज़ें आ गई, यू नो जैसे नेटफ्लिक्स था, अब आई फ्लिक्स एंड बहुत सारी और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ के मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ के ले सकती हूँ, लाइक विंस्ट्रा, बहुत सारी ऐसी जो वेब डिजिटल सीरीज़ हैं। एंड आई एम श्योर कि आप जो है वो बहुत जल्द हम रेवरेंस कॉल और सॉरी हम जो है वो रेवन्स कॉल और ऐसी चीज़ें देखेंगे ऑन अ शो बाई यू।
आई होप सो इंशाल्लाह. सो वेल, जब हम इस बुक को पढ़ें तो क्या एक्सपेक्ट करें जाने से पहले, क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? तो इस बुक में बहुत सारी यूनिवर्सल थीम्स हैं ऑफ लव, लॉस, ग्रीफ. देयर इज़ अ लॉट अबाउट ह्यूमन नेचर. साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत है, जैसे आपने सही कहा आयशा, बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी हैं. और मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ अगर आपको मिस्ट्रीज़ का शौक है, लव स्टोरीज़ का शौक है, दिस इज़ एन आइडियल बुक फॉर यू, क्योंकि इसके हर मोड़ पे एक क्लिफ हैंगर है, हर नैरेटिव के अंदर एक और नैरेटिव है जो कि आपको अनरैवल करना है. And I would also say कि अगर किसी का passion है या dream है to write, to create a movie, तो उसको छोड़िएगा नहीं. Hurdles बहुत आते हैं life में, सबकी life में challenges आते हैं, कोशिश करें और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी. थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच. और जितने भी लोग एड्रेनलिन रश को के लिए ढूंढ रहे होते हैं ना, सो आई थिंक दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर यू. और अच्छी बात है कि शायद आप गूगल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये शो नहीं है ना, तो गूगल नहीं कर सकते कि हु वॉज द मर्डर. सो ज़रूर इस किताब को पढ़ें. मुझे हमेशा ऐसा लगता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जैसी भी चल रही है, अच्छी हो, बुरी हो, न्यूट्रल अभी चल रही हो, रफ पैच हो ना हो, किताब आपको उसमें से बाहर ले जाती है. किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है, इमेजिन करने पर मजबूर करती है. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई होप कि हम इसको किसी सीरीज़ में देखें, मूवी में देखें. एंड आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का, एंजॉय करने का. और अब इंशाल्लाह हमारी होगी कल मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. तो कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.